हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे हमारी बलेनो का माइलेज टेस्ट। मेरी जो बलेनो है वो BS6 मॉडल है, 2020 वाला। 70-80 किलोमीटर का करीब रन होगा ये, जिसके अंदर टोटली हाईवे, आप लगा लीजिए 90% हाईवे और 10% सिटी के अंदर गाड़ी चलेगी। तो देखते हैं अभी माइलेज कितनी आती है। मेरी गाड़ी के अंदर मेरे अलावा कोई पैसेंजर नहीं है। तो फ्रेंड्स, माइलेज नापने से पहले इसका जो है टायर प्रेशर भी ठीक होना चाहिए। तो लेट्स सी कितना टायर प्रेशर है। रिकमेंडेड टायर प्रेशर जो होता है वो 29 होता है मारुति की तरफ से। तो हम पहले टायर प्रेशर अपना 29 कर लेते हैं, उसके बाद चेक करेंगे कितनी माइलेज आती है। सो फ्रेंड्स, हमने पेट्रोल फुल करवा लिया है और अब मैं ये ट्रिप को भी मैंने जीरो सेट कर दिया है। वापसी आके इसी पेट्रोल पंप से यहीं से पेट्रोल भरवाएंगे ऑटो कट तक, और उसके बाद देखेंगे कि हमारी माइलेज कितनी रही इस पूरी ट्रिप में। भाई हमारा AC भी ना पूरा ऑन रहेगा, बहुत ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है। दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं, दिल्ली पानीपत में। फ्रेंड्स, मुझको 3-4 दिन हो गए थे ट्रैवल करते करते। एक्चुअली मेरा प्लान तो ये था कि मैं 70-80 किलोमीटर का एक हाईवे रन करूँगा, जिसमें माइलेज टेस्ट करूँगा बलेनो की, पर यहाँ पे आना हुआ नहीं मेरा। तो अभी 3-4 दिन हो गए थे मुझको चलते चलते, और जैसे कि आप देख रहे हैं ट्रिप में 273 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी। इसके अंदर मैं बताऊँ आपको तो मैंने 70% लगा लो हाईवे पे ट्रैवल किया और 30% सिटी में ट्रैवल किया है। देखते हैं फिर इसके अंदर क्या माइलेज रहती है हमारी। AC मेरा पूरा ऑन था, क्योंकि अभी दिल्ली के अंदर यहाँ पे आसपास के एरिया में बहुत गर्मी पड़ रही है, तो AC मैंने ऑन रखा था फुल। और इसके अंदर ओकेजनली मतलब दो लोग, एक लोग, तीन लोग बैठे हुए भी हुए थे। फुल लोड नहीं थी गाड़ी, पर लोग थे इसके अंदर। तो अभी इसी पेट्रोल पंप पे मैं आ गया हूँ दोबारा से, जहाँ से मैंने टंकी फुल कराई थी, वहीं से फिर से टंकी फुल कराएंगे ऑटो कट तक, और देखेंगे कितना आपका पेट्रोल आता है और कितने में कितनी चलती है, तो माइलेज इसकी पता चल जाएगी। सो लेट्स गो गाइस। फुल कर दिया नॉर्मल पेट्रोल। ठीक है, तो भाई अभी ऐसा है, हमने पेट्रोल अपना करा लिया है फुल, ऑटो कट तक भरवाया है। उसी पेट्रोल पंप पे मैं आया था यहाँ पे पानीपत के अंदर, जहाँ से मैंने पिछली बार टंकी फुल कराई थी, अभी भी टंकी फुल करा ली। तो टोटल पेट्रोल जो अभी फिल हुआ है वो हुआ है 16 लीटर, 16.02 लीटर अगर मैं कहूँ तो, और अपनी टोटल गाड़ी चली है 273.9 किलोमीटर, जैसे कि मैंने अभी आपको ट्रिप में दिखाया था। तो भाई पहले तो प्लान ये था कि 70-80 किलोमीटर चलानी है हाईवे पे, पर मेरा चक्कर लग नहीं पाया यहाँ पे, और 3-4 दिन अभी हो गए हैं, 273 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी। तो फिर उसी हिसाब से मैंने माइलेज सारा कैलकुलेट किया है। इसके अंदर अच्छा मैं बता देता हूँ,
कि भाई 70% तो अपन लोगों ने हाईवे के अंदर चलाई है गाड़ी, और 30% सिटी में चली है गाड़ी, दिल्ली के अंदर चली है। और हाईवे जो था तुम्हारा, ये दिल्ली पानीपत का जो हाईवे है यहाँ पे था, इसके बीच चली थी। एसी जो था फुल ऑन था पूरी ट्रिप के अंदर। तो अब आते हैं भाई कि माइलेज कितनी निकली। तो माइलेज जो अपनी आई है वो आई है 273.9 किलोमीटर तुम्हारी गाड़ी चली है, और हमारा जो पेट्रोल आया है वो आया है 16.02 लीटर। तो हमने अब जब माइलेज कैलकुलेट करते हैं तो इसमें माइलेज आती है 17.09 की। तो भाई इसके अंदर गाड़ी जो है हमने भगाई भी थी थोड़ी, और जाम भी हमको बहुत मिला है सिटी के अंदर, हाईवे की भी। आजकल जो है किसान आंदोलन के चक्कर में जो दिल्ली चंडीगढ़ वाला जो अपना हाईवे है, यहाँ पर भी अंदर से गांव से लेके आना पड़ता है, तो फिर माइलेज उससे थोड़ी सी हिट होती है। तो 17.09 की माइलेज है, ठीक है, थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है मुझे, क्योंकि लग रहा था कि 18 प्लस आएगी इसकी माइलेज, बट चलो एनीवे जो भी है, ड्राइविंग स्टाइल पे भी डिपेंड करता है माइलेज का। तो गाइज़ होप करता हूँ आपको मेरी वीडियो जो है अच्छी लगी हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट करके बताइए कि इसके अंदर मैं क्या क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, और क्या क्या चीज़ें आपको पसंद आई, क्या क्या चीज़ें आपको नहीं पसंद आई।